सो हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल से। ये किसका मतलब स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, मतलब कि जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो किस फ्लो में एग्जीक्यूट होंगी, उसका फ्लो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हम ये तीनों फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे इन केस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती है, जिसमें एक स्टेटमेंट से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, दैट इज़ ए ग्रुप ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स को कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो इन तीन मेथड से एग्जीक्यूट हो सकती हैं। पहला मेथड होता है सिक्वेंशियल, कि अगर मेरे पास पांच स्टेटमेंट्स है तो पांच स्टेटमेंट्स को एक एक मैंने ऑर्डर डिफाइन कर दिया, सीक्वेंस डिफाइन कर दिया कि इसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होंगी। हेलो सर, हाँ जी, हेलो। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स में हम सीक्वेंशियल करते हैं कि हमने एक ऑर्डर डिफाइन कर दिया है और उसी ऑर्डर को फॉलो करना है। पांच स्टेटमेंट है, मैंने डिफाइन कर दिया कि ये वाली स्टेटमेंट इसके स्टार्ट के बाद ही चलेगी, ये ऐसा ही प्रिंट करने वाली स्टेटमेंट है जो वो इनपुट लेने के बाद ही चलेगी। तो मैंने हर एक स्टेटमेंट का एक ऑर्डर डिफाइन कर दिया है, तो जिसमें ये ऑर्डर डिफाइन किया होता है वो स्टेटमेंट्स कहलाती है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद होता है सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स, इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसमें हम एक चेक करते हैं कि हम डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकते हैं। इसमें तो ए सिक्वेंशियल में हमने एक ही रास्ता फॉलो करना था, सिलेक्टिव में हम सिलेक्ट कर सकते हैं हम कौन से पाथ को फॉलो करना चाह रहे हैं, और वो कंडीशंस के बेस पे हो सकता है कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू है ए इज ग्रेटर है बी से, देन वी विल फॉलो दिस पाथ, अदरवाइज वी विल फॉलो द अदर पाथ, राइट। सो सिलेक्टिव होती है सिलेक्टिव और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इन दिस वी कैन फॉलो द मल्टीपल पाथ। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज आइटरेटिव स्टेटमेंट, और इसको हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होता है कि हम एक ही रास्ते को बार बार रिपीट कर सकते हैं। जो सिलेक्टिव था उसमें हम एक एक पाथ फॉलो करेंगे और उस पाथ को फॉलो करके सीधा हम एंड पे चले जाएंगे, बट इन केस ऑफ आइटरेटिव स्टेटमेंट्स हम उसी पाथ पे दोबारा वापस आ सकते हैं, जैसे हमने लूप्स की हुई है प्रीवियस ईयर में 11th में, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स को अब हमने एग्जीक्यूट करना है, प्रैक्टिकल करना है। इनको प्रैक्टिकल करने से पहले हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम को अगर हमने डेवलप करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। मेजर यही स्टेप्स होते हैं, बट मोस्टली जो प्रोग्रामर्स हैं इनको फॉलो नहीं करते हैं, वो शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। बेसिकली एक प्रोग्राम को लिखने का और टेस्ट करने का यही एक ये पूरे 7 स्टेप्स होते हैं। प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट टूल, दीज आर द स्टेजेस ऑफ डिवेलपिंग ए प्रोग्राम। पहला स्टेप है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमें पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है, हमारी प्रॉब्लम है कि हमें इवन एंड ऑड नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो ये हमें प्रॉब्लम पता है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि क्या है हमारी प्रॉब्लम, क्या है हमारी प्रॉब्लम है कि हमने उन एक नंबर एंटर करवाना है और उसको पता करना है कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। दूसरा होता है स्टेप एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम हमने पता कर ली, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, तो सेकंड स्टेप में हम उसके बारे में सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम के क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं, तो हमने उसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या, दूसरा उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंड करने हैं। थर्ड इज राइटिंग एल्गोरिदम और डिजाइनिंग फ्लो चार्ट्स। अब एक प्रॉब्लम लेंगे हम, ऑड इवन की ले लेंगे, और उसके लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। वो अगला स्टेप होता है कि राइटिंग एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देखो सेकेंड स्टेप में हमने सोच लिया कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। वो स्टेप्स की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वो क्या बन जाता है, एल्गोरिदम बन जाता है। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जब हमने स्टेप्स बना लिए, सपोज 5 स्टेप बना लिए, तो उसको हम एक डायग्राम की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, डिजाइनिंग ऑफ फ्लो चार्ट। एक स्टेप लिखे और स्टेप को हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लो चार्ट की एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब हमने स्टेप्स लिख लिए, उसका फ्लो चार्ट डिजाइन कर लिया, उसके बाद हम एक्चुअल में कोड लिखेंगे, राइटिंग कोड्स।
जब हमने कोड लिख लिया तो उसको हमने टेस्ट भी करना पड़ेगा, और अगर उसके उसमें कोई एरर्स है उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट फेज आता है हमारे पास टेस्टिंग एंड डिबगिंग। आफ्टर दैट द इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन पार्ट, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एंड एग्जीक्यूट होने के बाद अगर वो सही से चल रहा है, फिर उसके बाद हमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी फ्यूचर के लिए। जैसे कि उसमें अगर हमने कुछ और फीचर को ऐड करना है, उसको मेंटेन करके रखना फॉर द लॉन्ग टर्म। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं वो रखी रखी ख़राब हो जाती हैं टाइम के साथ, वो ख़राब होने लगती हैं, जहाँ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, वो सारा पार्ट आता है मेंटेनेंस में, कि हमने उस कोड को मेंटेन करके रखना है फ्यूचर में, वो आता है बाद में। सो दीज आर द स्टेप्स। फर्स्ट हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए हमें स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जब हमने स्टेप्स के फॉर्म में लिख लिया तो उसका हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम कोड लिखेंगे, कोड को टेस्ट करेंगे, अगर वो सही है तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एंड लास्ट में आता है हमारे पास मेंटेनेंस पार्ट। सो ये वाले स्टेप्स हैं, ये वाले दोनों स्टेप्स तो क्लियर ही होंगे। हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उस सोल्यूशन फाइंड करना है। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट अभी हम करेंगे। एल्गोरिदम क्या होता है वो देखते हैं। सो एल्गोरिदम क्या है? ए प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस इन एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है कि सिंपल है, सेट बाय सेट प्रोसीजर होगा, ये रूल्स होंगे जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल पाए, राइट? जैसे हमारे हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, वी हैव टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमारी क्या है? प्रॉब्लम है। अभी हमने सेकंड स्टेप में चले गए। सेकंड स्टेप में क्या था? हमें एनालाइज करना है प्रॉब्लम को। हमें पता लग गया कि प्रॉब्लम में हमें एडिशन करना है दो नंबर्स का। तो हमने सोल्यूशन में सेकंड फेज में जब उसको एनालाइज किया प्रॉब्लम को, तो हमें हमें दिमाग में एक सिंबल आया, प्लस। प्लस आया हमारे पास, प्लस क्या करता है? एडिशन करता है। यही सिंबल रिक्वायर्ड होगा। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या आया कि हमने क्या लिखना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? हमने मेथड ढूंढ लिया कि प्लस से हम करेंगे और दो वेरिएबल चाहिए होंगे। अब थर्ड स्टेप में आए, हमने क्या करना है? एल्गोरिदम लिखना है एडिशन का। तो एल्गोरिदम ऐसे लिखा जाता है कि हमने स्टेप्स लिख लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप क्या किया कि हमने एक दो नंबर पे एडिशन परफॉर्म करनी है, तो इनपुट तो लेने पड़ेंगे वो नंबर्स। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इनपुट लिया फर्स्ट नंबर, सेकंड स्टेप में हमने इनपुट लिया सेकंड नंबर, थर्ड स्टेप में हमने क्या कर दिया? हमने एडिशन करना है दोनों का, तो हमने लिख दिया ऐड। तो जो एल्गोरिदम होती है, ये ऐसा नहीं है कि आपको इसका इसमें पाइथन कोड ही लिखना है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है कि हाँ इस स्टेप में मैं ये ऐसे ही करूँगा। कई बार ऐसे होता है कि ऐसे स्टेप लिखते हैं हम कि हमें पाइथन में वो इम्प्लीमेंट कैसे हो गया पता नहीं होता, इसलिए वो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। एल्गोरिदम किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि पाइथन लैंग्वेज करें तो इसके सारे स्टेप पाइथन में ही लिखने पड़ेंगे। वो पाइथन वाला स्टेप आएगा नेक्स्ट, राइटिंग कोड। इस फोर्थ स्टेप में हम उसको जो एल्गोरिथम में इंग्लिश में स्टेप्स लिखे होंगे उसको कन्वर्ट करेंगे कोड लिखने में। तो थर्ड स्टेप क्या है? ऐड करना है, तो हम प्लस सिंबल का यूज करेंगे। ऐड फर्स्ट नंबर विद द सेकंड नंबर एंड स्टोर इनटू द थर्ड नंबर। सो जो भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसको हमने एक इजी मेथड में डिवाइड करके लिख लिया है फोर्थ स्टेप में। एंड लास्ट में क्या करना है? जो थर्ड नंबर हमने कैसे कैलकुलेट किया था, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को ऐड करके उसको प्रिंट कर देना है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्गोरिदम। तो हमारी जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे आगे, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हमने उसको पार्ट्स में सॉल्व किया तो उसके पार्ट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करना थोड़ा ईजी रहता है। अब हमारे माइंड में एक पूरा मेथड बन गया कि हम कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है? एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया, जहाँ ये ऑप्शन होता है कि उसका फ्लो चार्ट बनाना। तो इसका फ्लो चार्ट बनाने के लिए, फ्लो चार्ट ऐसा होता है, राइट? तो इसको बनाने के लिए प्रॉपर सिंबल्स होते हैं कि इन सिंबल्स का ही यूज करना पड़ेगा। तो ये सिंबल्स एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं, कैसे काम करेंगे, कैसे कौन सा सिंबल यूज होगा। फ्लो चार्ट क्या होता है? ए फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। जो हमने प्रीवियस एल्गोरिदम लिखा है उसका क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफ की फॉर्म में हम डायग्राम बनाएंगे, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। द फ्लो चार्ट शोज द स्टेप
as boxes of various kinds and their order by connecting the boxes with arrows. इसमें क्या करते हैं, फ्लो चार्ट में हम डिफरेंट तरह के बॉक्सेस को यूज करते हैं. आप देख सकते हो ये वाला बॉक्स डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, राइट. सो वी हैव टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ बॉक्सेस, और ये बॉक्सेस उस मेथड के अकॉर्डिंग होते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हम कर क्या रहे हैं, राइट. और सारे के सारे बॉक्सेस को हम एरोज के साथ आपस में कनेक्ट किया होता है. एरोज के द्वारा कनेक्ट करने के से हमें क्लियर हो जाता है कि कौन सा बॉक्स पहले एग्जीक्यूट होगा. इस केस में स्टार्ट सबसे पहला है, उसके बाद इनपुट वाला ये वाला बॉक्स एग्जीक्यूट होगा. और ये क्योंकि ये एरो डिफाइन कर रहे हैं, एरो इज डिफाइनिंग द फ्लो कि हम किस फ्लो में जाएंगे, किस फ्लो में बॉक्सेस को फॉलो करेंगे. अब ये सिंबल्स हैं सर, जो शेप्स बन रही है हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए तो बन रही है सर. ये जैसे पैरेललोग्राम बन रहा है और ये सर्कल टाइप में बन रहा है, तो सर ये तो आप अपने इनपुट अपनी समझने के लिए सर कैसे भी लिख सकते हैं ना सर, जरूरी थोड़ी ना कि देखो इस केस में अभी हम जो अपनी क्लासेस में कर रहे हैं ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स हैं. बट जो हम कंपनीज में प्रोग्रामर्स एक्चुअल में काम करते हैं वो एक टीम होती है पूरी. तो अगर टीम होती है तो उसको पूरी प्रॉब्लम होती है, जो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है. सपोज एक टीम में चार पर्सन है तो एक उस प्रॉब्लम को चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और चारों पर्सन को एक एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी. चारों जो मेंबर्स हैं वो एक एक पार्ट पे काम करेंगे. बट उनको ऐसे ही काम नहीं करना कि वो जो पार्ट पे काम कर रहे हैं वो उनको ही समझ में आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट को आपस में कंबाइन करना है, राइट. तो उनको हर एक स्टेप को ऐसे ही डिजाइन करना पड़ेगा कि वो बाकियों को भी समझ में आ जाए. तो उसके लिए ये फ्लो चार्ट काम करता है. फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं होते हैं, ये सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है. इनके एक डिफाइंड मीनिंग है, यहाँ पे लिखे हुए हैं वो मीनिंग्स, राइट. यहाँ पे हम पैलोग्राम अगर यूज कर रहे हैं तो उसका कोई डिफाइंड मीनिंग है कि इसको हम किसके लिए यूज करेंगे, इनपुट और आउटपुट के लिए. अगर मैंने इसको इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया है, किसी और पर्सन ने इसको प्रोसेस के लिए यूज कर लिया, तो ये समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. तो इसीलिए ये चीजें क्या रखी हुई है, सेम रखी हुई है. ये हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, इनकी डिफाइंड मीनिंग्स हैं, सबके लिए सेम है ये. यस सर, तो इनके मीनिंग्स देख लेते हैं. अब क्या है, सबसे पहला जो ये बॉक्स है रेक्टेंगुलर शेप में, इसको बोलते हैं प्रोसेस. प्रोसेस मतलब कोई काम करना. जो एक्चुअल में कैलकुलेशंस वाला काम अगर हम करेंगे, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, हम ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, दो हम ऐसा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर रहे हैं. तो ये कैलकुलेशंस वाला पार्ट जो होगा वो किस में आएगा, प्रोसेस होगा. वो प्रोसेस इज द कैलकुलेशंस पार्ट, राइट. डिसीजन मेकिंग पार्ट, डिसीजन मेकिंग जैसे कि हमने डिसीजन लेना है, इफ ले रहे हैं कि हम इफ में दो रास्ते निकल सकते हैं कि अगर ट्रू हुआ तो हम इस साइड जाएंगे, अगर फॉल्स हुआ तो उस साइड आएंगे. तो इफ स्टेटमेंट्स है, जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है वो इस बॉक्स में, डायमंड के बॉक्स में लिखते हैं. जब हम इफ एल्स करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. आफ्टर दैट वी आर हैविंग द इनपुट एंड आउटपुट आउटपुट बॉक्स. इनपुट आउटपुट बॉक्स के लिए पैलोग्राम सिंबल है. देखो यहाँ पे इनपुट लिया हुआ है, हमने तीन वेरिएबल्स इनपुट लिए हुए हैं, पी आर एंड टी, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम. तो उनको इनपुट लेने के लिए ये पैलोग्राम सिंबल होता है. और आउटपुट के लिए भी, आउटपुट हम पाइथन में कैसे देते, प्रिंट से देते हैं ना, तो इसलिए प्रिंट जो सिंबल है उसको भी पैलोग्राम में लिखा हुआ है. और इसके लिए हम डिस्प्ले भी यूज करेंगे. बेटर है कि हम इनपुट आउटपुट बोथ के लिए ये वाला सिंबल ही यूज करें. कनेक्टर होता है कि अगर हम मल्टीपल बॉक्सेस को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक एरो ये वाला सर्कल आएगा और उस सर्कल को इससे भी कनेक्ट कर देंगे और इससे भी, मतलब मल्टीपल बॉक्सेस को कनेक्ट करने के लिए. मेन आपके ये फर्स्ट थ्री ही हैं और उसके बाद लास्ट वाला आता है हमारे पास स्टार्ट एंड एंड. ये तो हर एक फ्लो चार्ट में आएगा ही. सबसे जो पहला बॉक्स होगा वो स्टार्ट होगा और सबसे लास्ट वाला स्टॉप होगा, राइट. स्टार्ट और एंड को डिफाइन करने के लिए हम ये वाला यूज करेंगे. ये कैसे होता है कि इसकी साइड्स राउंड होती है, ये भी एक साइड्स राउंड वाला एक बॉक्स है. सो ये था हमारा फ्लो चार्ट का बेसिक. तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं जो हमारे सिलेक्टिव स्टेटमेंट है और कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसका नाम है इफ स्टेटमेंट.
राइट। इफ स्टेटमेंट क्या है कि एक कोई डिसीजन लेने के लिए हम यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोसेसिंग। इफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन इफ स्टेटमेंट इज टू बी यूज। अगर इसका सिंटेक्स ये होता है कि हमने इफ लिखा है, ये हो गया हमारा हेडर। आप जब हमने कंपाउंड स्टेटमेंट्स किया था उस केस में हमने लिखा था ना, ये वाला क्या होता है, हेडर होता है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट का। तो इफ के केस में ये हेडर बनेगा। पहले सबसे आगे क्या लिखा जाएगा, इफ लिखा जाएगा, और इफ के बाद हम कंडीशन को लिखेंगे, और ये वाला कॉलन हमें लगाना ही है हमेशा इस, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट कोई भी लिखेंगे उसके साथ कॉलन आएगा ही। उसके अंदर हम कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो इफ का पार्ट होगी। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ए इज इक्वल टू 10। अब हमने चेक करना है कि जो ए वेरिएबल है वो सचमुच 10 के इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए हमने ऑपरेटर्स में किया था, डबल इक्वल टू ऑपरेटर करते हैं। वो क्या करता है, कंपेयर करता है लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है या नहीं। तो हमने क्या किया, इफ ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, उस केस में ये क्या आ गया, हमने क्या कर दिया, फिर उसको प्रिंट करेंगे ए इज इक्वल टू 10, राइट। सो ये है इसका सिंटेक्स। इफ इफ के बाद हमने ये जो ए इज इक्वल टू 10 लिखा, ये क्या है, कंडीशन पार्ट लिखा है, राइट। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे चेक करना है कि जो ए में वैल्यू है वो 20 से लेस है या ग्रेटर है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल चेंज कर दूंगा, कंडीशन चेंज होगी। मुझे चेक करना है 20 के कंपेयर में ए की वैल्यू को चेक करना है, राइट। सो एक साइड तो ए ही आएगा, दूसरी साइड क्या आएगा, 20 आएगा। और क्या चेक करना है कि जो ए की वैल्यू है वो 20 से लेस है या नहीं। तो उसके लिए मैं चेक करूंगा, क्या सिंपल लगा दूंगा, लेस देन का, ए लेस देन 20। तो इस केस में ए की वैल्यू 10 है, 10 लेस देन 22 हो गया, तो इसलिए इसके अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो स्टेटमेंट इफ के अंदर लिखी हुई है वो तभी एग्जीक्यूट हो पाएंगी जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी। इसकी एग्जाम्पल एक बार कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 100, तो मैं इसके बाद इफ लिख रहा हूं, इफ x इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट x इज ग्रेटर देन 10। तो इस केस में मैंने x को 100 वैल्यू असाइन किया है, और x को फिर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जो भी x में वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 10 से या नहीं। तो इस केस में 100 इज ग्रेटर देन 10 ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गया तो हम इफ के अंदर जाएंगे और ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो आंसर क्या आया, x इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि ये ट्रू हो गई थी स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं, इफ x इज लेस देन 10, अब इस केस में 100 लेस देन 10, ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके अंदर हम जाएंगे ही नहीं, इफ के अंदर। तो इस केस में ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, यू कैन सी नथिंग इज प्रिंटेड। जब ट्रू होगी तभी उसके अंदर वाले स्टेटमेंट्स को प्रिंट किया जाएगा, अदरवाइज उन स्टेटमेंट्स को प्रिंट नहीं किया जाएगा। ये था इफ स्टेटमेंट। आगे है इफ एल्स। अब इस केस में जब कंडीशन, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर ट्रू है तो उसके अंदर वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट अगर फॉल्स हो गया तो हम कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमारे पास सेकंड चीज़ थी, वो थी हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। तो उस केस में हमने अगर ट्रू हो गया इफ की कंडीशन तो इसके अंदर वाले एग्जीक्यूट कर देंगे, अगर फॉल्स हो गया तो हम उसको ऑप्शन देंगे कि ये वाली स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर दें। इफ टू ऑफ द स्टेटमेंट्स, इफ आउट ऑफ टू स्टेटमेंट्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन स्टेटमेंट फॉर प्रोसेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन इफ एल स्टेटमेंट इज टू बी यूज। इट्स सिंटेक्स इज इफ कंडीशन लिखेंगे और कॉलन लिखा देंगे, उसके बाद इसके अंदर स्टेटमेंट लिख देंगे। एल्स पार्ट में कोई भी कंडीशन नहीं लिखी जाएगी, ये ध्यान रखना है। उसके साथ डायरेक्टली क्या आ जाएगा, कंडीशन कॉलन आएंगे, उसके बाद कोई भी कंडीशन नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर कंडीशन हमने ऑलरेडी दे रखी है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर फॉल्स हुई तो ये वाली हो जाएंगी। तो फॉल्स होने पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए अलग से कंडीशन नहीं दी जाएगी। तो इसकी एग्जांपल है ए इज इक्वल टू 10,
इफ ए इज इक्वल इक्वल टू 10, अगर दोनों इक्वल है तो ये प्रिंट कर देंगे हम ए इज इक्वल टू 10। अगर ये फॉल्स होगी इसका मीनिंग क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 10, राइट। तो एल्स पार्ट में हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो ये थी हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आपको ये पता कैसे लगेगा कि हमने कौन सी स्टेटमेंट लगानी है, ये आपको प्रॉब्लम को देखकर फर्स्ट स्टेप में हमें प्रॉब्लम मिल जाएगी, सेकंड स्टेप में उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको बोला जाता है कि हमें फाइंड करना है कि नंबर को ऑड है या इवन है। अब इस केस में, इस प्रॉब्लम में आप एनालाइज करोगे तो आपके पास दो केसेस आ रहे हैं कि जहाँ तो नंबर ऑड हो सकता है जहाँ नंबर इवन हो सकता है। तो दो केसेस के लिए क्या लगेगा हमारे पास, इफ एल्स लगेगा। हम नंबर को डिवाइड मॉडुलस करेंगे टू के साथ, अगर जीरो आ रहा है रिजल्ट तो इफ मतलब नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ऑड। तो कोई और प्रॉब्लम ले लेते हैं, ग्रेटर देन और एक लेस देन वाली, कि दो नंबर्स हैं उनको कंपेयर करना है कि वो नंबर ग्रेटर है, ए इज ग्रेटर है बी से या नहीं। तो उस केस में भी दो ही केसेस बन रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी हो सकता है या बी ग्रेटर देन ए हो सकता है। तो उस केस में भी दो केसेस बन रहे हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ एलिफ स्टेटमेंट। इस केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा केसेस बन रहे हैं तो उस केस में हम इफ एलिफ यूज करेंगे। आउट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स इट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन स्टेटमेंट फॉर प्रोसेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। इफ एलिफ स्टेटमेंट इज टू बी यूज, इट्स सिंटेक्स इज लाइक दिस। देखो पहले हमने क्या किया, इफ ही किया था बस इतना पार्ट। अब हमारे पास अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, एक से ज़्यादा केसेस हैं, दो से ज़्यादा केसेस हैं, तो उस केस में हम एलिफ यूज़ करेंगे। तो इफ के बाद हम जितने मर्जी एलिफ लगा सकते हैं यहाँ पे। एलिफ में हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, बट एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं दे सकते। यहाँ पे क्या आएगा, कॉलन भी लिखा जाएगा। अब इस केस में इसके एग्जांपल दी हुई है कि हम एक एंटर नंबर करवा रहे हैं, उसको ए वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको चेक कर रहे हैं कि वो नंबर 10 तो नहीं है। अगर हमने 10 ही एंटर किया है तो 10 इज इक्वल टू 10 प्रिंट हो जाएगी ये लाइन, ए इज इक्वल टू 10, राइट। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर इन सारी स्टेटमेंट्स हैं जो इफ एलिफ एलिफ एल्स, कितनी स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट है, चारों में से एक टाइम पे एक ही एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि ये एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद यहाँ पे भी चले जाएंगे, ये भी एग्जीक्यूट चेक करेंगे, ये चीज़ें नहीं होगी इसमें। इन चारों में से एक ही स्टेटमेंट सेलेक्ट होगी। देखो इफ आउट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट इट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगी। अगर ये हो गई है तो इसके बाद ही आगे की स्टेटमेंट्स को चेक ही नहीं करेगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई है तो ये आगे वाली स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा, क्योंकि पीछे वाली तो फॉल्स होती हुई आएगी। सबसे पहले ये स्टेटमेंट चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं, अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स होने पे अगले पे जाएंगे। अगर ये वाला फॉल्स हुआ तो हम नेक्स्ट में जाएंगे। सर हाँ जी, अगर सर पहली कंडीशन अगर ए के लिए ट्रू है, हम्म, अगर सर दूसरी कंडीशन में एलिफ की दूसरी कंडीशन में ए से फॉल्स हो जाता है, तो सर वो फॉल्स को एग्जीक्यूट करेगा कि पहले ट्रू को ले जाएगा? नहीं, अगर ये पहली ट्रू होगी तो आप बात कर रहे हो, जैसे अगर पहली ही क्वेश्चन से मतलब एलिफ की पहली कंडीशन से सर एक कोई भी मतलब ट्रू हो रही है और हाँ। सर हम दूसरी कंडीशन जाते हैं तो सर वो वाली फॉल्स हो जाती है। अब आपने बोला था सर पहली जो कंडीशन होगी वही एग्जीक्यूट होगी हाँ। अगर वो ट्रू होती है तो हाँ। अगर सेकंड वाली कंडीशन में अगर फॉल्स हो जाती है तो सर तब क्या होगा? सेकंड देखो सेकंड कैसे फॉल होगी, सेकंड फॉल्स होने सेकंड जी एलिफ है ना, ये क्या इसकी बात कर रही है, फॉल्स होगी तो जैसा अगर सर पहली कंडीशन अपनी ट्रू, पहली कंडीशन ट्रू ट्रू होती है, ट्रू हो गई अगर हाँ। सेकंड कंडीशन हाँ अगर सेकंड कंडीशन की तरफ कोई भी मतलब जाते हैं तो वो पहली वाली कंडीशन को फॉल्स कर रही है? नहीं, देखो सेकंड पे हम जाएंगे तभी अगर फर्स्ट वाली फॉल्स हो गई, ये मीनिंग है। अगर फर्स्ट वाली फॉल्स हुई तभी हम सेकंड में जाएंगे, अदरवाइज हम जाएंगे ही नहीं सेकंड पे, ठीक है। तो देखो जैसे ए अब मैंने 10 एंटर किया है तो 10 ये ट्रू हो गया तो ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये आगे वाली स्टेटमेंट्स को चेक ही नहीं करेगा। बट अगर मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे 20 एंटर की है तो ए यहाँ पे ये फॉल्स हो गया ना, 20 इज नॉट इक्वल टू 10 फॉल्स हो गया, तो हम नेक्स्ट में जाएंगे।
20 इक्वल टू 20 ये ट्रू हो गया तो ये ए इज इक्वल टू 20 प्रिंट हो जाएगा, तो ये ना आगे जाएगा ही नहीं, पीछे वाला भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो तो फॉल्स हो गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम थर्ड थर्ड पे डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, थर्ड पे आना है तो हमें फर्स्ट दोनों को चेक करना ही पड़ेगा, और फर्स्ट दोनों की दोनों फॉल्स होनी चाहिए तभी हम सेकंड थर्ड पे आएंगे। अगर इनमें से कोई ट्रू मिल गया तो इन उसको ही एग्जीक्यूट कर देगा और आगे वो जाएगा ही नहीं। क्लियर है गगन? यस सर। किसी और को डाउट इफ एलिफ में? सर हाँ जी। हाँ सर, तो अगर पहली कंडीशन में जैसे ए इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है प्रिंट, कोई भी चीज दे दी हमने, हाँ जी। फिर सेकंड कंडीशन में भी लिखा हुआ है ए इक्वल टू 10 और प्रिंट में दूसरी लाइन दी है, तो फिर क्या प्रिंट होगा? फिर भी पहला जो, अगर ए की वैल्यू 10 ही है तो पहला ही प्रिंट हो जाएगा और वो ब्रेक कर देगा। अच्छा ओके, ठीक है। ठीक है सर। एक एक बार इसको कर करके देख लेते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो देखो। ए की वैल्यू हम 10 दे रहे हैं और दो कंडीशन सेम दे रहे हैं हम, जो पहली कंडीशन ट्रू मिल जाएगी ना उसको ही प्रिंट करेगा, ये इनसाइड इफ लिख देते हैं, हमें पता चल जाएगा डिफरेंस का। इसको हमें दिखना पड़ेगा उसमें स्क्रिप्ट मोड में, तभी काम करेगा। देखो इस केस में ए इज इक्वल टू 10 है और दोनों कंडीशन में ये ट्रू हो रहा है, बट जो पहली कंडीशन हम चेक करेंगे उसके अंदर ही वो जाएगा, दूसरी को चेक ही नहीं करेगा। देखो इनसाइड क्या आया, इनसाइड इफ आया, तो इस केस में उसको जो पहली ट्रू मिल गई, इनसाइड इफ आया और सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई है, क्योंकि हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से एक ही को एग्जीक्यूट करना होता है, और उसको अगर एक ट्रू मिल गया तो आगे की किसी भी स्टेटमेंट को वो चेक नहीं करेगा। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको कोड लिखते टाइम, कि जो इनकी इंडेंटेशन है वो सेम आनी चाहिए, जहाँ पे इफ है उसके बिल्कुल नीचे ही उसके अलाइनमेंट में ही एलिफ आना चाहिए, राइट, एल्स भी उसके अलाइनमेंट में आना चाहिए। और ये जो इसके अंदर ब्लॉक है एक, इसको ध्यान रखना है, ये बहुत ही मिस्टेक्स हुई थी लास्ट ईयर, ये होती भी है जब आप स्टार्टिंग में करते हो। देखो मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाया, कॉलन नहीं लगाया है, और सिंपली मैंने एंटर कर दिया, एंटर करके मैं जो भी नेक्स्ट लाइन लिखूंगा वो यहाँ पे आ जाएगी, तो इस केस को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो इसमें एरर आएगा, देखो इनवैलिड सिंटेक्स का एरर आया। अब मुझे पता है कि सिंटेक्स में क्या आना चाहिए, यहाँ पे कॉलन आना चाहिए, तो मैंने कॉलन लगा दिया। अब फिर से देखो क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। अब इसमें क्या है, हमें इतनी स्पेस छोड़नी पड़ती है क्योंकि हमें डिफाइन करना है कि ये वाली स्टेटमेंट है, ये इसका पार्ट है इफ का, तो पाइथन में इंडेंटेशन को छोड़ना पड़ता है जब भी हमें किसी का पार्ट शो करना पड़ेगा। तो सिंपली ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती थी, यहाँ पे सिंपली मैं कॉलन लगा देता, कॉलन लगा के अगर मैं एंटर करूँ तो वो अपने आप उसी पोर्शन पे लेके जाएगा, राइट। तो ये कॉलन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इंडेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ही आती है, इसको ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, कॉलन का मतलब होता है कि हम कंपाउंड स्टेटमेंट लिख रहे हैं, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट को ग्रुप कर रहे हैं, तो उसको उस ग्रुप को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेंटेड ब्लॉक को शो करना पड़ेगा, वो सारी की सारी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एक ही डिफरेंस से शो करनी पड़ेगी। सो ये था इंडेंटेशन।
इफ एलिफ स्टेटमेंट्स आई थिंक क्लियर है सबको, किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, लास्ट स्टेटमेंट है आज की, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड क्या होता है कि एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट को डिफाइन करना, जैसे कि ये है इफ है, यहाँ पे इफ है, और इफ के अंदर ही हमने क्या डिफाइन कर दिया, एक और इफ एल्स को डिफाइन कर दिया, राइट। और ये एल्स है, एल्स के अंदर भी हमने इफ और एल्स को डिफाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक इफ के अंदर डिफाइन करना दूसरे इफ को, वो होता है नेस्टेड। ये सारी जो स्टेटमेंट आज हमने की है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर है तो आपके सारे प्रोग्राम्स क्लियर हो जाएंगे फ्यूचर में। फाइल हैंडलिंग है उसमें आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेंगी। पाइथन के मोस्टली जो चैप्टर्स हैं 12th के वो इन्हीं ये बेस पे हैं। हमने ये ऑलरेडी 11th में किया था, इसको प्रॉपरली मैं रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इनके बिना आपका 12th नहीं होगा कम्प्लीट। अगर ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो 12th में आपके जो न्यू चैप्टर्स हैं फंक्शंस हैं उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, राइट। नेस्टेड इफ एल्स कर लेते हैं एक बार। देखो ये मैंने एक ये नेस्टेड इफ एल्स नहीं है, ये क्या है हमारे पास इफ एलिफ है, राइट। तो अगर मैं इसके अंदर ही कुछ और डिफाइन कर दूं, इज लेस देन 10, देखो इस केस में मैंने ए की वैल्यू 8 ली है, तो एक ये हायरार्की देखिए एक बार, कि पहले इफ स्टेटमेंट लगाई है मैंने कि ए इज लेस देन 10, ए जो हमारा 8 है, 8 इज लेस देन 10 ट्रू हो गया है ये, तो ट्रू हो गया तो हमने इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर हमें फिर से इफ को चेक करना पड़ता है। नेस्टेड इफ हो गया ये, इफ के बाद इस इफ के बाद फिर से हमें एक और इफ को चेक करना पड़ रहा है, एक के अंदर एक को डिफाइन करने को नेस्टेड बोलते हैं। तो इस केस में हम क्या चेक कर रहे हैं, जो ए इज ग्रेटर देन 5 है या नहीं, अगर है तो हम ये वाला प्रिंट करेंगे, अगर नहीं है तो एल्स पार्ट प्रिंट करेंगे। ए क्या है, 8 है, 8 ग्रेटर देन 5 ट्रू हो गया है तो हम प्रिंट क्या करेंगे, ग्रेटर देन 5। तो इस केस में यही आंसर आएगा, राइट। और ये वाला एल्स चेक नहीं किया जाएगा क्योंकि इन दोनों में से हमें एक को सेलेक्ट करना था, इफ और एल्स में से एक को सेलेक्ट करना था, तो हमने किसको किया है, इस पार्ट को, क्योंकि ये ट्रू हो गया था, राइट। और ये किसके साथ लिंक्ड है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, ये एलिफ है, इन दोनों में से भी हमें एक को सिलेक्ट करना था, तो वो अब इसको सिलेक्ट कर लिया था, इसके अंदर चले गए थे, तो इसके अंदर नहीं जाना है अब, राइट। तो हमने क्या कर दिया, सिंपली एक ही चीज प्रिंट होगी, ग्रेटर देन 5, कैन सी द आंसर इज ग्रेटर देन 5। सो दिस इज हाउ द नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स इफ एंड इफ एलिफ इज वर्किंग। किसी में किसी को डाउट, आज के टॉपिक है, हमने किया था यहाँ से स्टार्ट किया था, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल से स्टार्ट किया था, आज हमने क्या किया है, इसके सिलेक्टिव पार्ट किया है कि कंडीशंस कैसे हमने जनरेट करनी है, और हमने ये स्टेप्स किए थे जिसमें एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट को समझा था। एल्गोरिथम ये होते हैं हमारे पास, इसकी एग्जाम्पल दी थी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, तो उसका आपने कैसे करना है, उसको आपने पहले एल्गोरिदम लिखनी है, मतलब ये वाले प्रोसीजर्स लिखने हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बाद आपने ये वाले कंसेप्ट को यूज़ करके, इफ फेल्स वगैरह यूज़ करके उसका कोड लिखना है, राइट। सो मैं आपको वो प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ अभी। तो आपको ये तीन प्रोग्राम्स हैं जो आज के जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उस पर बेस्ड हैं, कि एल्गोरिदम आपने लिखना है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है एंड कोड लिखना है तीन प्रॉब्लम्स का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए नंबर इज वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। एक नंबर इनपुट लेना है और उसको चेक करना है कि वो इवन है या ऑड नंबर है। सेकंड नंबर क्या है कि ग्रेटर नंबर अमंग टू वेरिएबल्स, आपने दो वेरिएबल लेने हैं ए और बी,
और उसमें से चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और ग्रेटर नंबर को प्रिंट करना है। इसके लिए भी आपने एल्गोरिदम स्टेप्स लिखने हैं, फ्लो चार्ट और कोड। एंड द थर्ड इज फॉर द थ्री वेरिएबल्स। थ्री वेरिएबल्स वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पहले फर्स्ट तो देख लेना। और थ्री वाले की मैं आपको एक बता देता हूँ, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ थ्री वेरिएबल्स। ये तीन वेरिएबल लिए हुए हैं ए बी सी, तीनों को एंटर करवाया हुआ है। तो उसमें पहले क्या किया है कि हमने पहले दो वेरिएबल को चेक कर लिया, ए और बी को। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि ए ग्रेटर है बी से या नहीं। अगर ए ग्रेटर होगा तो हम इसके अंदर जाएंगे, राइट। तो ऊपर यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इस लाइन के इस लाइन तक आने की तक हमें क्या पता है कि ए बड़ा है, राइट, बी से। अब ए को किससे चेक करना है, सी से। तो इसलिए हमने क्या किया, ए ग्रेटर देन सी। अगर ए सी से भी बड़ा है, बी से तो ऑलरेडी बड़ा था, हमने ऊपर चेक कर लिया, राइट। तो क्या प्रिंट कर देंगे, ए इज ग्रेटर। अदरवाइज क्या प्रिंट करेंगे, सी इज ग्रेटर, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर देन सी, अगर ए ग्रेटर देन सी है तो हम प्रिंट कर देंगे ए ग्रेटर देन सी। अदरवाइज एल्स अगर ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या, ये फॉल्स क्यों होगा जब सी बड़ा होगा ए से, तो उस केस में क्या करेंगे, सी को प्रिंट कर देंगे ग्रेटर है। अब आते हैं एल्स पार्ट पे। ये एल्स पार्ट किससे लिंक्ड है, ये वाले इफ से लिंक्ड है। तो ये यहाँ पे कब आएंगे हम इस एल्स में, जब ए छोटा होगा बी से। क्योंकि अगर ए बड़ा होगा बी से तो हम इस पार्ट में जाएंगे, अगर ए छोटा होगा बी से तो हम यहाँ पे आएंगे। तो इस यहाँ तक इसके अंदर आते टाइम हमें क्या पता चल गया है कि ए इज लेस देन बी, मतलब बी बड़ा है ए से। अब बी बड़ा है तो हमने ग्रेटर ही तो फाइंड करना है। अब बी को हमें कंपेयर करना पड़ेगा सी के साथ, तो इसलिए हमने बी को कंपेयर किया सी के साथ कि बी क्या सी से भी बड़ा है। अगर है तो हम बी को ग्रेटर करेंगे प्रिंट, एल्स करेंगे सी को ग्रेटर। सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ थ्री वेरिएबल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो वी हैव डन दीज टॉपिक्स। अगर आपकी कोई क्वेरीज है सो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।